लोहड़ी और मकर संक्रांति के इस परम त्यौहार पे सभी जम्मू वासियों को और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया साल है सबके लिए मंगलमय रहे। COVID-19 कोरोना वायरस के चलते टीम जम्मू जो हर वर्ष बहुत बड़ी जुलूस की शक्ल में पुराने शहर या पूरे जम्मू शहर में जो है लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार मनाती थी, इस बार हम नहीं मना पाए। लेकिन आज हमने आर्ट लैंग्वेज और कल्चरल एकेडमी के साथ मिलकर और बाकी जो जम्मू की अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर एक बहुत अच्छा यहाँ पर लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व जो है यहाँ पर मनाया है। और आने वाली जनरेशन को हम ये बता सकें कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लिए जो ये दिन त्यौहार हमारे सनातन धर्म में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जम्मूवासी हैं वो नौजवान पीढ़ी को प्रेरित करें कि जब भी ऐसे पर्व त्यौहार मनाए जाएं तो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। चूँकि इस बार कोविड है तो मैं समझता हूँ कि अपने अपने घरों में भी हम त्यौहार मना सकते हैं और जो हमारी नई पीढ़ी है उनको बता सकते हैं कि ये त्यौहार हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है। आप सबका मंगल हो इसी कामना के साथ सबको नमस्कार। जैसे कि आपने देखा कि आज मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और कल हमने यहाँ पर जम्मू में लोहड़ी मनाई जिसको नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से हमने आज जो सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू की है उनके साथ मिलकर हमने ये फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। कोविड की वजह से हम उस हिसाब से नहीं कर पाए जिस हिसाब से इसको किया जाता है, मोहल्ले मोहल्ले में जाके जैसे बच्चे जो है हर जगह एक एक घर में जाके जो ये लोगों के साथ मिलके करते थे वो हम नहीं कर पाए कोविड की वजह से। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आपने देखा यहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने इस फंक्शन को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। और उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर हमारे लिए और भी ज़्यादा जो है ये साल जो आने वाला होगा खुशी का साल होगा और जो कोविड से हम लास्ट ईयर से जूझ रहे हैं उससे हम निकल पाएंगे। मैं एक बार फिर तमाम लोगों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की मुबारकबाद देता हूँ।